ईआरसी परियोजना पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज कांग्रेस जन जागरण अभियान की शुरुआत करने बारे में जा रही है। और आप देखिए कि 12 बजे यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा भी आने वाले थे, पर अभी तक आए नहीं और जनता भी अभी नहीं आई है। आप देखिए कि यहाँ पंडाल जो बनाए गए हैं दोनों साइड, ये पूरा आगे तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सभा के आगे से ये एक पंडाल है जिसमें अभी जनता आ रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी पूरा जो पंडाल है वो खाली पड़ा है। ऐसे में जनता लगातार आ रही है। ये जो योजना थी ये 13 जिलों के लिए ये योजना निकाली गई थी, पर इसको लागू नहीं किया गया। इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव की यहाँ से शुरुआत कर दी है। यहाँ की जो जनता पहुँची है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस लिए आए हैं आप लोग? हम आए देखने के लिए आए हैं क्या होता है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि किसानों के हित में क्या बात होती है और कांग्रेस किस लिए सभा रखी है। प्रमोद जैन भाया ने जी, प्रमोद जैन भाया जी ने किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हो ये बताओ। उधर बात कर लो, उधर और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी कुछ कह रहे थे आप? अरे केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी की जो है रोक लगाई है उसके विरोध में जो है ये आए हैं। आप भी आए? आए ना। किस लिए आए? ये बता तो दी। और ये चुनाव की घोषणा होगी, शंख बजेगा यहाँ से चुनाव कांग्रेस का, बुगल बजेगी कांग्रेस की। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से बुगल बजेगी, चुनाव की शुरुआत यहाँ से हो गई है। आप देखिए कि 12 बजे आने में थे पर अभी तक आए नहीं। और भी जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ साहब, जी हाँ साहब, झूठी सरकार का दो काम नाड़ू से बीजेपी वाला के में वोट ही पार्टी को देना चाहे। गहलोत जी ने करोड़ा काम कराए थे और सब गरीबन की सहायता करी थे, और ये बीजेपी का 105 वोट बोल रहे थे, 105 और बटार बोल रहे थे। आज किस लिए आए हैं? आज हम इसके लिए आए हैं किसानों की सबकी बात रखेंगे। खड़के जी सब गहलोत जी वगैरह आए हुए हैं। ये सभा किस लिए रखी गई है? ये सभा किस लिए बुलाया गया? ये सभा गरीबों के लिए बुलाई गई है कि भाई झूठा आदमी इनसे छड़पा कंड वालों से बचे, है ना। तो आप देखिए कि जो यहाँ लोग हैं वो पहुँचे हैं कि जो बीजेपी जो सरकार है उनसे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतना काम कराया है इसलिए ये सभा रखी गई है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करें। आप किस लिए आए जी? तो यहाँ पर आप देखिए कि कई लोग हैं जो कहने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम देखने आए हैं, पर ये किसी को नहीं पता कि ये सभा किस लिए रखी गई है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जो जन जागरण अभियान आज कांग्रेस ने यहाँ से शुरुआत की है और चुनावी बिगुल भी आज यहाँ से बज चुका है। और आप देखें, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा जो सामने जो सभा का जो मंच है, मंच आपको दिख रहा है और मंच के करीबी ही जो ये एक पंडाल है इसमें जनता दिख रही है और ये भी अभी तक खाली है। 12 बजे तक यहाँ आने वाले थे, सभा की शुरुआत होने वाली थी, पर अभी एक बज गई है, पर अभी तक यहाँ आए नहीं हैं और जनता भी अभी पूरी तरह आई नहीं है। आप देखिए कि और भी यहाँ लोग हैं, किसान जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। किस लिए आए हैं आप बताएं, बात करो। जी मैं नहीं जानता हूँ, आपको बुलाया तो होगा, किस लिए आए हैं? रैली में आए हम। किसने बुलाया है? राबिज गांधी ने। राबिज गांधी ने आप राहुल? हाँ राहुल। अरे राहुल गांधी ने मिलाए राहुल गांधी ने। सभा किस लिए रखी गई आज? अरे अब हम जिसे नहीं जाने साहब। कहाँ से आए आप? आगर से आए। आगर हाँ कस्बा तानी पहले। आप कहाँ से आए? जी आगर से। किस लिए आए आप? हम यहाँ आए, हमारी जो कमेटी जुड़ी है ना कांग्रेस तरफ से, उनसे साथ में आए हम कांग्रेस के लिए। आपको किस लिए लेके जा रहे हैं? है जी बताया तो होगा आप लोगों को। बताया हमारे जी कांग्रेस कमेटी वालों ने कि आपको 16 तारीख को बारा जाना है, अपनी रैली है वहाँ पे, जनसभा है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप किस लिए आए? आगर से आए साहब। आगर आगर से सभी साथ में आएंगे साहब।
आप भी आए? हाँ। इसलिए आए कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत प्रमोद जैन भाई की जैसे जी, प्रमोद जैन भाई हमारे नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके लिए आए। आपको बताया तो होगा आप किस मुद्दे के लिए आज आए? किसानों की योजना के लिए। आप देखिए कि कहाँ से आए? सौर से। आप देखिए कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं पर किसी को पता नहीं कि किस मुद्दे पर आज ये सभा रखी गई है। ऐसे में आप देखिए कि जो अभी तक जनता भी पूरी तरह यहाँ पहुँची नहीं है। इस आपको मंच की हम बात करते हैं, सामने ही मंच है और मंच के जस्ट बाद ही आप देखेंगे तो कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर हर जगह से लोग पहुँचे हैं, करेंगे प्रमोद जैन भाई हमारे नेता हैं उनके लिए आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने आए हैं। पर जो आरसीपी है परियोजना, इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं कि आरसीपी क्या है। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत किसने आए आज? मैं गया हूँ प्रोग्राम वोट डाले के बेला के रहते ना, मैं का प्रोग्राम क्या कह रहे हो? मैं का प्रोग्राम में आया हूँ। कांग्रेस ने जिंदा करने के लिए आए, तैयार हो गए, कांग्रेस को जिताने के लिए आए, और बहुत मतों से जता के बताएंगे। आज ये सभा किसने रखी गई आप लोगों को? मैं का वोट देना और कांग्रेस को जताना जिताने के लिए सभा रखी गई है। ये कह रहे हैं कि जो प्रमोद जैन भाई हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री, उनको जिताने के लिए सभा रखी गई है। इस समय अलग अलग बात लोग अपनी कह रहे हैं। और भी यहाँ जी आए आप? हाँ आए आज ये आज प्रमोद भाई सभा बुलाया गया? बहुत दूर से है, ठीक रहा सो। क्या कह के बुलाया गया आपको सभा में? किस लिए आए हो आप? पच्चीस जना, पच्चीस जना, ठीक रहा सो। भाई जी ने लेकर बहुत जानकारी दे पा गए। यहाँ तो ये परियोजना को लेकर रखी गई सभा अपन में भाई जी सभा को लेकर आएगा, भाई जी का वोट देना जमान दो। आरसीपी पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो वोट की ही बात कर रहे हैं जी। क्या ये ईस्टर्न रिवर कैनाल सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी राजस्थान का कैनाल का प्रोग्राम है और राजस्थान सरकार के द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है और राजस्थान सरकार इसको पूर्ण करने की स्थिति में भी है और सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए और इसी के लिए ये आंदोलन प्रोग्राम आयोजित किया गया है, राष्ट्रीय योजना लागू की जाए। ये पूरी राजस्थान नहर योजना प्रोग्राम है, जो पूरी राजस्थान में 13 जिलों के लिए योजना निकाली गई थी। अब ये इनका कहना है कि इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करनी थी पर नहीं की, इसी को लेकर लोग कह रहे हैं। पर ज़्यादातर लोग जो कहें वो वोट के लिए बात कर रहे हैं कि जो वोटों के लिए सभा रखी गई है कह रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ वो ERCP योजना के तहत जो बांध बन रहा है ना नहर की, उसके लिए का है। बनने क्या है जी, जल्दी बने बांध। ERCP की योजना को लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ चुनावी विजुअल भी फूंक दिया है और आप देखिए कि जो जनता है वो ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंची है। आप देखिए जो ये पंडाल है ये भी अभी तक पूरा नहीं भरा है और इससे जो बड़ा वाला पंडाल है जो बगल में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप उसमें देखिए एक भी कुर्सी अभी तक नहीं भरी है, पूरे जो कुर्सियाँ हैं वो खाली हैं। सभा का टाइम 12 बजे रखा गया था पर अभी तक शुरू नहीं हुई है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। आप देखिए कि जो लोग हर क्षेत्र से पहुंचे हैं इनसे भी बातचीत करेंगे जी। आप कहाँ से आए? डांगविल के रहो। डांगविल के रहो। इसलिए आए आप लोग? क्यों आए आप लोग यहाँ? प्रोग्राम देखने के लिए। किसने बुलाया आपको? राहुल गांधी।
गांधी जी ने बुलाया, राहुल गांधी जी ने बुलाया, गांधी जी तो आए नहीं रहे हैं, आएंगे अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी ने बुलाया। हाँ, तो आप देखिए कि जो योजना है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, पर कांग्रेस यहाँ से चुनावी रुझान है वो आज से शुरू करने जा रही है और ERCP के मुद्दे पर यहाँ से चुनाव फूकेगी कांग्रेस और आज से शुरुआत हो गई है। लोग कह भी रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया, राहुल गांधी ने बुलाया, समय लोगों को योजना के बारे में पता नहीं कि ERCP योजना के नाम पर यह सवाल रखी गई है, पर लोगों को यहाँ पता नहीं। राजस्थान तक के लिए अमित पांचाल के साथ 12 से।